और अभी आपको बताएं कि उमर अयूब कौमी असेंबली में कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने स्क्रूटनी के बाद कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई, बैरिस्टर कौहर और पार्टी का शुक्रगुजार हूं। अक्सरियत और हुकूमत तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए। फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 वालों की हुकूमत बना दी गई है। उनका कहना है कि बदकिस्मती से हुकूमत आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत लिखने का मामला इंतहाई हसास है। तो उमर अयूब का ऐसा कहना है कि बदकिस्मती से हुकूमत आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रही। उमर अयूब को कौमी असेंबली में कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असेंबली ने स्क्रूटनी के बाद कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उमर अयूब का कहना है कि बानी पीटीआई, बैरिस्टर गौहर और पार्टी का शुक्रगुजार हूं। अक्सरियत और हुकूमत तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए थी। फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 वालों की हुकूमत बना दी गई है। उनका कहना है कि बदकिस्मती से हुकूमत आइन और कानून की पासदारी नहीं कर रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत लिखने का मामला इंतहाई हसास है।